भले ही देश व राज्य में बेरोजगारी की समस्या बरकरार है, लेकिन बेतिया में युवाओं के लिए न सिर्फ रोजगार का सृजन किया जा रहा है, बल्कि रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार नियोजन मेला और जॉब कैंप लगाकर युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान किया जा रहा है। कोरोना काल में जिला प्रशासन ने श्रमिकों को रोजगार देने व उन्हें उद्यमी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाया, जिसका नतीजा है कि रोजगार देने के मामले में पश्चिम चंपारण जिला पांचवें पायदान पर पहुंच गया है। लेकिन अब जिला प्रशासन की पहल पर मैट्रिक व इंटर पास युवाओं को विभिन्न कंपनियों में रोजगार देने की पहल की जा रही है, जिसके कारण आए दिन युवाओं का नियोजन किया जा रहा है। जिला नियोजनालय इस पहल में अहम भागीदारी निभा रहा है। जो युवा जिला नियोजनालय में निबंधन करा चुके हैं, उन्हें रोजगार का अवसर प्रदान किया जा रहा है। बिहार में काम करने वाली देश की कई कंपनी आवेदन के आधार पर कंपनी की टीम बेतिया पहुंच रही है और युवाओं का साक्षात्कार करने के बाद युवाओं का नियोजन करती है। बेतिया में 150 से अधिक बच्चों का साक्षात्कार करने पहुंची शिव शक्ति बायोटेक्नोलॉजी लिमिटेड के अधिकारी ने बताया कि यह कंपनी कृषि के क्षेत्र में काम करती है और इसी के तहत इंटर पास युवाओं को रोजगार का अवसर दिया जा रहा है। वैकेंसी ले रहे हैं, ये शिव शक्ति कंपनी के लिए है, शिव शक्ति बायोटेक्नोलॉजी लिमिटेड। हमारी जो वैकेंसी है वो एग्रीकल्चर क्षेत्र में काम करने के लिए हमें ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे चाहिए, जो ग्रामीण क्षेत्र में जाके किसानों से मिलके उनको कृषि में आने वाले जो चीज़ें हैं, तकलीफें हैं, उन चीज़ों के बारे में बताएंगे, आधुनिक तरह से कृषि कैसे करें, कृषि के पैदावार को कैसे बढ़ाएं, इन सब चीज़ों के बारे में बच्चे बताते हैं। तो आज हम यहाँ पे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कर रहे हैं। जो भी कैंडिडेट्स आज शॉर्टलिस्ट होंगे, उनको फाइनल इंटरव्यू के लिए हम मुजफ्फरपुर ऑफिस बुलाएंगे। ऑफिस में उनका फाइनल इंटरव्यू होने के बाद उनका जो भी ज्वाइनिंग डेट होगा वो उनको बताया जाएगा और ऑफर लेटर उनको दिया जाएगा। बोला गया कि 7 दिन आप आइएगा, मुजफ्फरपुर बोला जाएगा, आपको मोबाइल नंबर पे मैसेज कर दूंगा। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर बुलाया गया है इंटरव्यू पे। जी, मोबाइल पे मैसेज जाएगा तो बोले हैं कि मुजफ्फरपुर आप लोग को आना पड़ेगा। बहरहाल बिहार में जल्द होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, ऐसे में युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं और विपक्ष द्वारा बेरोजगारी को मुद्दा बनाया जा रहा है। देखना होगा कि आने वाले समय में रोजगार विधानसभा चुनाव का मुद्दा बनता है या नहीं। बेतिया से सनमार्ग लाइव 7 के लिए दीपक कुमार की रिपोर्ट।